उसमें वापसी राजस्थानी के जो पत्थर आते हैं वो डालने हैं। हेलो जी, हेलो, नमस्कार, राम राम, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया है। और कल से घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है, बिकॉज घर में कलर का काम है, वो पेंटिंग का करना है। और ये जो हमारे वॉशरूम थे उसकी छत बिगड़ गई थी, तो उसमें वापसी राजस्थानी के जो पत्थर आते हैं वो डालने हैं। तो कल तो ये पूरी छत को गिरा दी थी नीचे, और अभी वहाँ पे अरे भाई जो गुलाबी पत्थर है राजस्थान के वो अच्छे से बना रहे हैं। पानी का जो टाका था, टैंकी, वो यहाँ पे रख दी है। और अभी पापा कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, तो वापसी कब आएंगे वो तो मुझे भी नहीं पता। तो ये वॉशरूम में राजस्थानी पत्थर रख दिए हैं, और अभी ऊपर सीमेंट का थोड़ा बहुत माल लगाना है। अभी जिसको हम गारिया कहते हैं, इसमें सीमेंट, रेती और ये छोटी छोटी काकरी जिसको कहते हैं वो रख दी है। और आज सुबह से पूरा बारिश वाला माहौल है। और अभी मेरे पैर की हालत कुछ ऐसी है, पैर की और साथ में मेरी भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज मकान में कलर का काम चल रहा है, एक ही रूम बाकी है, बाकी सारे रूम में तो कलर हो चुका है। छत का कलर अलग हुआ है, और सामान पूरा बिखरा हुआ है। यह दीवार अलग की है, ये बिजली को क्या हो रहा है? यह दीवार अलग और यह छत अलग, बाकी की ये तीन दीवार सेम कलर की है। इस रूम में भी ऐसा है। इस रूम में ये और ये दीवार सेम है, वो अलग कलर की है। और अभी बाहर का कलर का काम स्टार्ट होगा ये रूम में ख़त्म होने के बाद। यूट्यूब में यहाँ पे ये हरि भाई टाइल्स लगा रहे हैं ये दीवार में। और यहाँ पे ये पानी का जो टैंकी है उसका स्टैंड बनाया हुआ है, ये पानी की टैंकी यहाँ पे चली जाएगी।
और थोड़ा बहुत सामान ट्रॉली में पड़ा हुआ है। और पानी का भी फिटिंग अभी बाकी है, थोड़ा बहुत करना है, वो वहाँ पे करना है। और अभी आज दोपहर से शायद मकान में बाहर कलर लगाने का काम स्टार्ट होगा। बाहर का कलर कैसा है वो मुझे भी नहीं पता, चलिए अब देखते हैं। अंदर का तो मैंने डिसाइड किया था, मैंने और मेरी बहन ने, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। बाहर का डिसाइड मैंने जो किया था वो पापा ने जो कलर लेने की शॉप पे जाकर कलर में पूरा चेंज ही कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये रसोई घर है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये जो टाका बनाया है, जिसको हम टाका कहते हैं, सामान रखने के लिए, वो पूरा बाहर निकलता था, यहाँ तक था, पूरा का पूरा ज़्यादातर बाहर निकलता था। ये दीवार है उससे बाहर, अब उसको निकाल दिया है और ये सभी इसे प्लेन डिजाइन में ही कर दिया है, वो था वैसा ही कर दिया है।